द हिस्ट्री ऑफ एवरी फॉर्मूला वन टीम इन 60 सेकंड्स, मैक्लेरन। मैक्लेरन एक ब्रिटिश टीम है जिसकी नींव 1963 के अंदर न्यूजीलैंड रेस का ड्राइवर ब्रूस मैक्लेरन ने डाली थी। ब्रूस फॉर्मूला वन में जीतने वाले दुनिया के यंगेस्ट ड्राइवर बने जब उन्होंने 1959 के अंदर यूएस ग्रांड प्री जीती थी। वो सिर्फ 27 साल के थे जब उन्होंने 1963 के अंदर ब्रूस मैक्लेरन मोटर रेसिंग लिमिटेड टीम चालू करी। मैक्लेरन ने अपनी ही टीम को सबसे पहली विन दिलाई जब उन्होंने ग्रांड प्री जीती थी स्पा के ऊपर 1968 के अंदर। ऐसे शुरुआत हुई थी सेकंड ओल्डेस्ट एंड सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन फॉर्मूला वन विद 183 विंस, 12 ड्राइवर्स चैंपियन एंड 8 कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप्स विद ड्राइवर्स लाइक फिटिपाल्डी, हंट, लॉडा, प्रोस्ट, सेना, हाइकनन एंड हैमिल्टन। बट अनफॉर्चुनेटली 1970 के अंदर ब्रूस मैक्लेरन ने अपनी जान गंवा दी जब वो सिर्फ 32 साल के थे ड्यूरिंग अ कार टेस्ट। उसके बाद उनकी टीम संभाले उनके एक्स पार्टनर टेडी मेयर्स ने और फिर आए मैक्लेरन को 1980 से 30 साल तक बेनतहा सक्सेस दिलाने वाले रॉन डेनिस। बट रीसेंट पास में मैक्लेरन ने काफी स्ट्रगल किया है अपने पास सक्सेस को रेप्लीकेट करने के अंदर। आइए देखते हैं इस सीजन के अंदर नॉरिस पियास्ट्री और नए टीम प्रिंसिपल स्टेला के साथ में ये सीजन कैसा रहता है।